भगोरा हाइट्स, ये पालमपुर में, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है ये इनका होटल। आप ये देख सकते हैं मेन रोड से इनकी पार्किंग भी अंदर है, प्रॉपर पार्किंग है, काफ़ी गाड़ियाँ आ सकती है। और ये व्यू देखिए आप कितना अच्छा है यहाँ पे। ये पड़ता है पालमपुर के आउटस्कर्ट्स में, होटल भगोरा हाइट्स, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ये इसकी एंट्रेंस है, सामने पहाड़ हैं, सुबह सुबह जब मॉर्निंग में उठो तो बहुत ही अच्छे व्यूज आते हैं, देखने वाले व्यूज, बोलने वाले नहीं, कमेंट वाले व्यूज नहीं। पार्किंग का स्पेस बहुत अच्छा है इनकी प्रॉपर्टी में, आप सेफली अपनी गाड़ी ऊपर ले जा सकते हैं, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं चढ़ाई हो, इसी तरीके से जाएगी। ये पार्किंग स्पेस है इनका, और सामने वो हिमालय है उधर, और आप ये देखिए ये इनका रिसेप्शन हॉल, ये इनका मेन बिल्डिंग है यहाँ पे, इसके अंदर इनका रेस्टोरेंट है, किचन एरिया और टेरिस, और सामने वाली साइड पे इनके सारे रूम्स हैं। और ये रिसेप्शन है इनका, तो ये इनका है रिसेप्शन एरिया, तो बहुत स्पेसिस है। और यहाँ पर भैया आपको मिलेंगे जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो भैया बताएं कुछ रूम के टैरिफ वगैरह। रूम जो हमारे पास मिलते हैं वो दो तरह के मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड रूम, एक फैमिली सूट। फैमिली सूट जो स्टार्टिंग है हमारा वो है 45, लेकिन आज का डिस्काउंट भी चलता है वो, और जो छोटा रूम है वो है 1500-2000 तक। नॉर्मली जो उनका फैमिली स्वीट रूम है वो 4500 रुपीज़ है ऑन सीजन पे, और विदाउट सीजन ये डिस्काउंट कर देते हैं तो वो आपको बहुत रिजनेबल प्राइस पे पड़ जाता है, ऑलमोस्ट 2500 के नियर अबाउट हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी हम चलते हैं इनके रूम में, देखते हैं फैमिली स्वीट वाला रूम भी देखते हैं, और जो इनका नॉर्मल रूम है वो भी एक बार देखते हैं। यहाँ से सारे रूम सुपर हैं, और उसके सामने गार्डन ही इन्होंने बनाया हुआ है। स्टाफ बहुत अच्छा है इनका। ये गार्डन है, अभी गार्डन देखिए कितना अच्छा बनाया है इन्होंने, और यहाँ पे देखिए फ्लावर। और सुबह सुबह जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो अगर किसी को, और वो यहाँ आ जाए तो बस समझ लो लाइफ बन जाए। हाँ तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंगो का पेड़, आम का पेड़ मतलब, इसके अलावा यहाँ और भी काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, जैसा कि इसके बाद हम आपको दिखाएंगे एप्पल, ये रहा एप्पल का पेड़, अभी आना शुरू हुआ है। ओ वाह, और यहाँ की एप्पल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। बाकी तो आपने देख ही लिया होगा सारा, ये वाला फ्लावर देखो गुलाब का, ये यहाँ पर इनके रूम है सारे, फर्स्ट फ्लोर पर भी हैं और सेकंड फ्लोर पर भी हैं। आइए इधर चलो, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही इनका फैमिली स्वीट है। ये इनका मिनी स्वीट, ये टू रूम के साथ अटैच है। एक मिनट, ये है इनका मिनी स्वीट, यहाँ से दिखाओ, ये गार्डन बालकनी से बहुत ही अच्छा, रूम की विंडो से इतना अच्छा व्यू आता है आप देखेंगे। तो स्पेसिस है रूम में, काफी स्पेस है, नीट एंड क्लीन है आप देख सकते हैं, और ये है फैमिली के साथ आते हैं, तो सारी रूम ये आप बच्चों के साथ देख सकते हैं, तो बच्चे हैं या बड़े हैं, ये भी बहुत स्पेसिस रूम है, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है और नीट एंड क्लीन। एसी है, एसी लगे हुए वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे। सब तरीके की अमेनिटीज यहाँ पर दी गई हैं। ये इनका नीट एंड क्लीन बाथरूम है।
कल रात हम इस रूम में रुके, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल रूम था। तो क्या जो दूसरा रूम है एक इनका सेकंड कैटेगरी का रूम और है, वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी। वो भी दो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रूम है। ऐसे काफी अच्छे इनके पास दो तरीके के रूम है, दोनों ही तरीके के काफी रूम है। ये देखिए ये वाला जो रूम है, ये इनका नॉर्मल रूम है, ये भी काफी स्पेस है इसके अंदर भी, और नीट एंड क्लीन है इंटीरियर, ऑलमोस्ट सभी रूम का सेम ही है। बिल्कुल। तो ये विदाउट अलमीरा आ रहे हैं तो आप ये रूम भी प्रेफर कर सकते हैं, तो टू लोगों के लिए काफी अच्छा रीजनेबल पड़ जाता है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। मैटर करता है कि होटल कहाँ पर है, उसकी लोकेशन पे मैटर करता है, जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी लोकेशन है। जैसे कि आप भी जानते हैं, जब हम लोग कहीं घूमने आते हैं तो हम रूम में बैठने तो आते नहीं है, हमें चाहिए बाहर गार्डन व्यूज ये सब। रूम तो खैर अच्छे होने ही चाहिए, फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, दूसरी बात खाना अच्छा होना चाहिए, जो इनका बहुत अच्छा है, और थर्ड चीज सबसे बढ़िया जो है कि यहाँ व्यूज बहुत अच्छे हैं। और अब हम जा रहे हैं इनका रेस्टोरेंट किचन एरिया में, रेस्टोरेंट एरिया में। ये देखिए नीट एंड क्लीन इस रेस्टोरेंट। यहाँ थोड़े से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हैं। अगर आपको इंडोर एक्टिविटीज चाहिए तो देखिए टेबल टेनिस, ये अकेले ही खेल रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ये कैरम, बाकी होटल की डिटेल्स, उनके टैरिफ्स एंड होटल का कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। खेलने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पार्किंग ये मेन रोड से, तो ये इनकी यहाँ पार्किंग आ जाती है, और ये है इनके रूम्स, ग्राउंड फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड पे भी कुछ है। और व्यू आप देखिए पीछे हिमालय का, और ये इनका टेरेस, काफ़ी बड़ा टेरेस है।